तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्रा, आप देखा आप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पबजी मोबाइल के अंदर फिर से हमें एक नया बैन नोटिस देखने को मिल रहा है हैकर्स के रिलेटेड। एंड इस बैन नोटिस के अंदर पबजी वालों ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया है एंड बहुत सारे जो मिथ्स है उसको भी क्लियर किया है। तो मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पॉइंट तक देखते रहिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना ना भूलना। एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स पबजी मोबाइल खेलते हैं सभी के अंदर वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम डेली इन्फॉर्मेटिव इसको वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए ज़्यादा न करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कल हमें पबजी मोबाइल के अंदर 3.20 MB के करीब एक अपडेट देखने को मिला था। एंड उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये जो अपडेट है जो हमें माइक ग्लिच होता है गेम के अंदर उसके बारे में ये अपडेट हो सकता है। एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हाँ भाई इस अपडेट के बाद हमारा माइक ग्लिच बहुत कम हो रहा है। एंड मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरा जो फ्रेंड जिनका माइक ग्लिच होता था उसका भी बहुत हद तक कम हुआ है इस अपडेट के बाद। एंड मुझे और एक चीज़ लगता है ये अपडेट आने का कारण कि आज हमें पबजी मोबाइल के अंदर ये बैन नोटिस देखने को मिला है, क्योंकि जब भी कोई नया बैन नोटिस आता है उससे पहले हमें छोटा छोटा अपडेट देखने को मिलता है। एंड पबजी वालों ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया है इस बैन नोटिस के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों अभी अगर आप पबजी मोबाइल के अंदर जाएंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक बैन नोटिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक पेन के ऊपर बैन लिखा गया है, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक पेज के अंदर आपको ले जाएगा। तो इस पेज के अंदर ही आपको बहुत सारे कुछ देखने को मिलेगा। तो पहला जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यूज़, तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ दिया गया है पबजी वालों की तरफ से। एंड यहाँ पर जो हैकर्स है जिनका अकाउंट बैन हुआ है, किस तरीके से बैन हुआ है, यहाँ पर सारे कुछ डिटेल्स दिया गया है। एंड देख पा रहे हैं हैकर्स का नाम एंड उनका कैरेक्टर आईडी, ये सारे कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आप जाके ये सारे कुछ चेक कर सकते हैं। एंड किसके कारण बैन हुआ है ये भी यहाँ पर बोला गया है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन भी है कुछ। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सर्वर का कुछ कनेक्शन एरर दिखाएगा पहले, तो अभी आज ही आया है तो देखते हैं कल क्या दिखाते हैं इसके अंदर। तो आप ज़रूर से एक बार चेक कर लेना। एंड नीचे और एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर राइट साइड के अंदर एक कैटेगरी का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बग्स हो गया, चीट्स हो गया, इवेंट हो गया, परचेस हो गया एंड अदर्स। तो यहाँ से आप कुछ भी आपका अगर प्रॉब्लम हो रहा है पबजी मोबाइल के अंदर तो यहाँ से आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं अपना। एंड उसके साथ साथ आता है मेन टॉपिक के अंदर कि क्या कुछ बोला गया है इस बैन नोटिस के अंदर। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ अगर मैं न्यू सेक्शन में आ जाऊँ एंड इस पेज के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर बहुत ही एक लंबा चौड़ा आर्टिकल टाइप दिया गया है पबजी वालों की तरफ से। एंड यहाँ पर बहुत सारे कुछ चीज़ों के बारे में बात किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे पहले ही हेडिंग में पूरा क्लियरली बोला गया है कि फाइट अगेंस्ट हैकिंग ए लेटर टू आवर प्लेयर्स। तो जो जेन्युइन प्लेयर्स है जो फेयर प्ले करते हैं उनके लिए बेसिकली एक लेटर है, इतना बड़ा लेटर दिया गया है। एंड जो हैकर है उनके अगेंस्ट ही हम लोगों का फाइट है। नॉर्मल मैचों के अंदर हमारा सेम रहता है कि हैकर्स आके हम लोगों को पेल के चला जाता है बहुत ही गंदी तरीके से। एंड कोई अगर रैंक पुश करता है या फिर कोई अपना KD मेंटेन करना चाहते हैं तो नहीं कर पाता। अगर एक लॉबी के अंदर एक हैकर अगर आ जाता है बाई चांस तो आपका पूरा का पूरा गेम खराब हो जाता है। दोस्तों ये जो हैकर्स है इनके वजह से पबजी वालों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन सारे चीज़ों के वजह से पबजी मोबाइल को क्विट कर दिए हैं एंड कोई दूसरा गेम खेल रहे हैं। तो इसके वजह से पबजी वालों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। एंड यहाँ पर क्लियरली बोला गया कि वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर कि एक भी चीटर आपको गेम के अंदर देखने को ना मिले। दोस्तों हैकर्स के रिलेटेड जो मिथ्स हमें सुनाई देते हैं उसके बारे में पबजी वालों ने यहाँ पर रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पर जो पहला मिथ्स है कि जो हैकर मनी दे के हैक खरीदता है, मतलब पेड हैक का यूज़ करते हैं, उसका अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। तो यहाँ पर पबजी वालों ने क्लियरली बोला गया कि वो कभी भी जो फेयर गेम है उसको ही सपोर्ट करते हैं एंड जो अनफेयर गेम है उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते। एंड यहाँ पर क्लियरली बोला गया है अगर उसका अकाउंट डिटेक्ट होता है पबजी का सिस्टम में तो वो ज़रूर बैन होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई अगर पेड हैक यूज़ कर रहा है उसका अकाउंट बैन नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि VIP हैकर्स जो होते हैं उसका भी अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा, तो ये भी पबजी वालों ने यहाँ पर डिनाई कर दिया गया है कि ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सिस्टम के अंदर पबजी के सिस्टम के अंदर कोई भी डिटेक्ट होता है कि वो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं या फिर चीटिंग का यूज़ करते हैं तो ज़रूर अकाउंट बैन होगा, कोई वो VIP हैकर हो या फिर पेड हैक यूज़ करता हो, ऐसा कोई बात नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मिथ है ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि पीपल फ्रॉम XXX कंट्री आर ऑल चीटर्स, मतलब कोई सा भी एक पर्टिकुलर कंट्री का सारे प्लेयर्स चीटर्स है। तो मैं भी इसे नहीं मानता, क्योंकि अगर आप इंडिया को ही पकड़े तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पबजी मोबाइल को हैक करके खेलते हैं, पर उनमें से सभी प्लेयर्स हैकर्स नहीं होते। जैसे कि हम लोग जो जेन्युइन प्लेयर्स हैं जो हैकर्स में परेशान है, इंडिया का भी ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हैकिंग का यूज़ करते हैं, हम लोगों को ही पेल के चले जाते हैं। तो
एक पूरा का पूरा कंट्री का सारे प्लेयर्स चीटर नहीं होते, मैं खुद इसे मानता हूँ एंड ये सबको ही मानेगा एंड यहाँ पर पबजी वालों ने यही क्लियरेंस यहाँ पर दिया है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मीथ है ये किसी ना किसी के मुंह से आपने ज़रूर सुना होगा कि PUBG मोबाइल खुद ही चीट्स को बनाते हैं एंड हैकर को बेचते हैं एंड उसी से पैसा कमाते हैं एंड यहाँ पर PUBG वालों ने इसके ऊपर जो आंसर दिया है कि वो खुद चीटर्स को हेट करते हैं, चीटर्स को बैन करने के लिए इतना ज़्यादा ट्राई करें वो क्यों ऐसा करेंगे। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि PUBG मोबाइल चीट्स को बेचते हैं हैकर्स को या ये जानबूझ के PUBG मोबाइल करता है, तो ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मिथ है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हैकर्स जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए बैंड होता है या फिर एक वीक के लिए बैंड होता है या फिर एक मंथ के लिए बैंड होता है एंड इसके आंसर में PUBG मोबाइल जो कहा है कि अगर वो चीटर्स को मैच के अंदर भी डिटेक्ट करते हैं तो उसी वक्त उसका अकाउंट बैन कर देते हैं एंड कभी भी अगर PUBG का सर्वर में जिस टाइम उसका अकाउंट डिटेक्ट हुआ कि ये हैकर है ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करें उसी टाइम PUBG मोबाइल इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियरेंस दिया गया है एंड और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर PUBG वालों ने बात किया है, तो आप जाके इस पेज के अंदर ये सारे कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं एंड जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको गेम के अंदर हैकर दिखे तो आपको क्या करना है, तो मुझे तो बहुत कम देखने को मिला है हैकर सीजन 10 के अंदर। तो सीजन 10 के स्टार्टिंग में मुझे 2-3 हैकर देखने को मिला था एंड किसी किसी हैकर के साथ मतलब मैं खेला भी हूँ क्योंकि रैंडम मैचों के अंदर मेरी टीम में वो आ गया था तो मैंने उसको रिपोर्ट किया था। तो आपको भी क्या करना है, कहीं पर भी अगर आपको हैकर दिखे, आप अगर किसी हैकर को जानते हैं तो उसका अकाउंट को रिपोर्ट कीजिए, चीटिंग करके रिपोर्ट कीजिए। दोस्तों अगर आप कोई से भी अकाउंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करवाते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा अकाउंट हाईलाइट होगा एंड PUBG वालों के पास जल्दी पहुंचेगा एंड अगर PUBG वाले देखते हैं उस अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या चीटिंग का यूज़ करते हैं तो उसका अकाउंट ज़रूर बैन होगा। इसलिए आपको हैक को सपोर्ट नहीं करना है, हम कोई भी हैक को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए जो हैकर से उनको रिपोर्ट कीजिए ताकि उनका अकाउंट बैन हो, क्योंकि एक हैकर आके पूरा गेम हम लोगों का ख़राब करके चले जाते हैं। तो यही था आज का वीडियो, जो नया बैन नोटिस आया था मैंने फुल एक्सप्लेन आपको कर दिया। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो आप जा सकते हैं PUBG मोबाइल के इस पेज के अंदर जहाँ पर मैंने आपको दिखाया, तो आप जाके पूरा का पूरा चीज़ें रीड कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना ना भूलना एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स PUBG मोबाइल खेलते हैं सभी के अंदर वीडियो को शेयर कीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम बहुत ही जल्दी 100K को क्रॉस करने वाले, इसलिए सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिल्मों तो का एक नया वीडियो के साथ तो चलते हैं, हैव अ नाइस डे।